और ये सुबह सुबह हमारे बन रहा है उपमा, जो मेरे फेवरेट है। और यहाँ से एक चम्मच लेंगे, ये वाला चम्मच सही है, चम्मच चम्मच चम्मच। और ये मेरा खाना उपमा, उपमा के साथ में थोड़ा सा चीनी भी अच्छा लगता है। वैसे थोड़े टाइम बाद में ट्राई करूँगी, अगर मुझे चीनी अच्छा लगा ना तो चीनी के साथ खाऊँगी। और पुच्चू आज ही जो उधर कुछ कर रहा है, खास रहा है, और पुच्चू के मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है। और यहाँ पे फ़ोन चार्ज पे लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे फ़ोन हो गया है डिस्चार्ज। और ये मेरे है चाय शाम का, क्योंकि मुझे बुखार हो रखा है तो ये मैं रेड टी पी रही हूँ, इसमें नींबू डला हुआ है। ये पी के क्या थोड़ा सा रिलीफ, अब मैंने मेडिसिन लिया था थोड़ा रिलीफ मिला ही है, अब मैं ये थोड़ा पीऊँगी तो और थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हो गए अपने राष्ट्रपति, तो इस चीज़ के लिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर मेरे कॉफ़ी जैसा कलर का रेड टी, मज़े ही अलग है। हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे शाम के, मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बनाई थी, तबीयत ठीक नहीं था, मेडिसिन वगैरह लेके सो रही थी, और अभी थोड़ा सही हुआ है तबीयत। और देखो यहाँ पे मम्मी क्या कर रही हैं, आज हमारे तोरू की सब्जी बन रहे हैं। मैंने तोरू की सब्जी राजस्थानी स्टाइल से बनाऊँगी, मतलब जो मैं बनाती हूँ वैसे बनाऊँगी। और इधर आज यूजल मेरे पीठा, जो मेरे फेवरेट चीज़ है, मतलब उत्पम बिना प्याज वाले, तो मम्मी बना दी ये, कि ये खा लेना अभी, ये खा के थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, फिर खाना बना लेना। तो अभी ये खा रही हूँ मैं, और अभी रोटी और सब्जी आज मैंने ले रखा है, क्योंकि आज हमारे क्या वो उनका कुछ हो रखा है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, जो दीदी आते हैं काम करने के लिए उनका, तो आज वो रोटी नहीं बना पाएंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं बना दूंगी रोटी। ये चीज़ें। और पुच्चू आज ही जो है, पुच्चू का काम वही है, खेलता रहता है, पूरे टाइम रोता रहता है, पोटी उसके हो नहीं रहा है, तो बन नहीं रही पोटी, तो क्या कर सकता है, अब हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते पोटी। तो मम्मी बोल रही ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, सही बात है, वैसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो मम्मी बोल रही कितनी गंदी बात है, मम्मी बोले हट जा इधर से। तो ये चीज़ें गाइस। और अभी क्या है, अभी और कुछ खास ये नहीं करने को, मैं भी सब्जी बनाती हूँ, सब्जी बना के जल्दी से खाना आपको बताती हूँ, मैं कैसे गोल रोटी बनाती हूँ, एकदम बिना एकदम पका हुआ रोटी बता के आप लोगों को, फिर दिखाती हूँ कैसे बनाया मैंने रोटी, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी रोटी कैसे बनाते हैं। आप लोगों को नहीं आता है ना तो आप लोग सीख लेना, जिनको भी नहीं आते, जो भी अनमैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है कि खाना बनाना अभी से सीख जाओ, ससुराल जाने के बाद में आप लोगों को काम ही काम करना है, और कुछ ही नहीं है आपको करने के लिए, वर्किंग लोग होंगे उनको भी काम करना है, काम तो करना पड़ेगा आफ्टर मैरिज, बड़े मतलब वही वाली जो पापा की परी, वो परी वगैरह जितने भी होंगे पापा के परी, वो सारे परी परे परा हो जाते हैं, फिर मेल परी हो जाते हैं शादी के बाद में। तो ठीक है गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में थोड़े टाइम से, देखती हूँ कि क्या क्या मैं आज बनाती हूँ। और आज मुझे ना छेना गजा मन ने खाने का रसगुल्ले, तो मैंने पापा को बोला हुआ है, अभी जाएंगे पापा तो लेके आएंगे रसगुल्ले। छेना गजा होता है वो एकदम, मेरे पता नहीं बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है थोड़े रसगुल्ले वगैरह खाने को, देखते पापा लेके आते हैं तो कौन सी मिठाई लेके आते हैं। और ये मेरे तोरू है, और ये मैंने लहसुन छील के रख दिए हैं, ये तोरू है, और ये मेरे पीठा है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ। फाइनली मैंने ये सब्जी बना दी, तोरू की सब्जी, और ये मेरे रोटी और सब्जी। मिठाई क्या पापा लाएंगे तो रात को खाऊंगी शायद, अभी मुझे भूख लग गई तो अभी खाना पड़ेगा। और आज यूजल पुच्चू और पुच्चू के नानी दोनों यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, मज़े मतलब वही दोनों बैठ के बातें चल रहे हैं। पुच्चू भूखी लगी है क्या आपको, आपको भूखी लगी है क्या? हाँ अच्छा, चलो मम्मी पहले खाना खा लेगी फिर आपको खिला देगी, आपका टाइम नहीं हुआ अभी, आपका टाइम 8:30 बजे है। तो मेरे फरमाइश पे पापा ने क्या किया, मिठाई लेके आए हैं। एक प्लेट ले लेती हूँ, मेरे सब में से थोड़े 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 निकाल लूँगी,
ये मेरे छेना का जान फेवरेट खीरा। खीरा मुझे पसंद है नहीं, खीरा भी क्या है तू तो खाए पूरा। अरे ये मेरा रसगुल्ला है, चन्नापुर के साइड वाले पसंद है मुझे, और ये वाला साइड भी दे देते हैं बट कोई बात नहीं। ये चन्नापुर आ गया और एक चम्मच ले लेती हूँ मैं। थोड़ा सा पहले ट्राई कर ऑसम टेस्ट है। फिर मुझे साइड में ही थोड़ा सा दे दो, ये चम्मच लो, एक दो चम्मच ही दे दो। ये इसको खीरा बोलता है, इसके अंदर क्या डालता है? रसगुल्ला। रसगुल्ले डालते हैं इसके अंदर। नहीं मैं और रोटी नहीं खा रही, बहुत ही यम्मी। नहीं नहीं थी उतना ही बहुत है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी, मज़ा आ गया खाना खा के ही है। और अभी क्या हुआ कि एकदम से थक गए और टाइम अभी हो गया है 11:30 हो रहे, खांसी हो गई, बुखार हो गया मुझे बहुत ही ज़्यादा। अब बस सोऊंगी मैं, नींद लूंगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। डार्क सर्कल आप लोगों को दिख रहे होंगे गाइस, और तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। पुचू जी भी सो चुके हैं, अब बस मैं भी सोने की कोशिश कर रही हूँ कि बस नींद आ जाए, अच्छे से सो जाऊँ। मेडिसिन ले लिया है तो ये चीज़ है। तो गुड नाइट, कल एक नए ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों के साथ में।